दोस्तों, क्या आपका भी एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी स्लो चार्ज होता है? जब भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज में लगाते हो तो आपको वहां पर खड़े होकर के वेट करना पड़ता है कि कब आपका एंड्रॉयड फ़ोन फुल चार्ज हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप 25 से 30 मिनट के अंदर अपने एंड्रॉयड फ़ोन को फुल चार्ज कर सकते हो। जहाँ पर आपको 1 से 2 घंटे खड़े रहने पड़ते थे, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ही वेट करना पड़ेगा और आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ट्रिक करके यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि यह ट्रिक 100% वर्क करता है। तो अगर आप लोग भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। यहाँ पर जो आपको ट्रिक बताऊंगा वह 100% वर्किंग ट्रिक होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके एंड तक कंटिन्यू देखते रहिए। अब जो फ़ोन का पहले नंबर का सेटिंग है, उसके लिए सिंपली आप सभी लोगों को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के मेन सेटिंग के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप फोन के मेन सेटिंग के अंदर आ जाओगे तो आप सभी ने डेवलपर ऑप्शन का नाम सुना ही होगा। डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन करते हैं, बिल्ड नंबर पे अगर आप 7 बार टैप करोगे तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ओपन होकर के आ जाता है। तो यहां पर आपको डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेते हो, यहां पर आप सभी लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलता है जिसका नाम होता है डोंट लॉक स्क्रीन। यहां पर आप देख सकते हो यह क्या काम करता है। जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो या फोन को यहां पर यूज करते हो तो यह क्या करता है, स्क्रीन को ऑफ नहीं होने देता है पूरी तरह से। यहां पर यह सेटिंग बाय डिफॉल्ट सभी के फोन के अंदर ऑन रहता है और यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है स्क्रीन वॉन्ट टू स्लीप विथ चार्जिंग। यानी कि अगर आप ये सेटिंग को ऑन किए हो तो यहां पर जो आपका फोन है वो स्लीप नहीं होता है पूरी तरह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्मार्टफोन है जब भी आप चार्ज में लगाते हो तो काफी स्लो तरीके से चार्ज होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेटिंग है यहां पर डोंट लॉक स्क्रीन वाला, इसे यहां से ऑफ कर देना है ताकि जब भी आप अपने एंड्रॉयड फोन को चार्ज में लगाओ तो वो फोन आपका पूरी तरह से स्लीप हो जाए और जब भी आप फोन को चार्ज करो तो अच्छी तरीके से फास्ट तरीके से चार्ज हो पाए। तो ये आपको पहले नंबर का सेटिंग आपको कर लेना है। अब जो आपको सेकेंड नंबर का सेटिंग करना है वो भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। स्क्रॉल होने के नीचे की तरफ आना है। जैसे आप स्क्रॉल होने के नीचे की तरफ आओगे यहां पर आप लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलेगा। तो यहां पर बताते हो तो कौन सा आपको सेटिंग करना होगा, तो नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपको मिल जाता है एक सेटिंग जिसका नाम होता है डोंट कीप एक्टिविटीज। यहां पर आप देख सकते हो ये आपको मिल जाएगा एंड उसके ही नीचे जस्ट आपको देखने को मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहां पर आप देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट पे रहता है। यानी कि जब भी आप अपने एंड्रॉयड फोन को चार्ज में लगाते हो या फिर आप अपने एंड्रॉयड फोन को यूज करते हो तो आपका फोन क्या करता है, जितने भी आपके फोन के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं, जो एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो वो उसे क्या करता है, कंटिन्यू यूज करते रहता है स्टैंडर्ड लिमिट पे। यानी कि कितना भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर यूज होगा इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना भी मर्जी उतना वो यूज कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके फोन की बैटरी भी बहुत ही जल्दी खत्म होती है और जब भी आप अपने एंड्रॉयड फोन को चार्ज में लगाते हो तो बहुत ही स्लो आपका फोन भी चार्ज होता है। तो यहां से आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट वाला है उसे आपको करना है नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है ताकि बैकग्राउंड के अंदर कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस ना हो पाए और जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका फोन चार्ज हो और फास्ट तरीके से चार्ज हो सके। तो ये सेकेंड नंबर का भी सेटिंग आप लोगों को कर लेना है। अब जो अगले नंबर का आपको सेटिंग करना है उसके लिए आपको यहाँ पर फोन के मेन सेटिंग के अंदर आना है। जैसे आप फोन के मेन सेटिंग के अंदर आते हो यहाँ पर आपको स्क्रॉल होने के नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको लोकेशन वाले सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब जैसे आप लोकेशन वाले सेटिंग को ओपन करते हो यहाँ पर आपको मिलता है लोकेशन सर्विस का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको 2 सेटिंग देखने को मिलते हैं और दोनों सेटिंग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके फोन के अंदर ऑन होते हैं। पहला होता है वाईफाई स्कैन एंड दूसरा होता है ब्लूटूथ स्कैन। ये क्या करते हैं, आपके फोन के अंदर कंटिन्यू रनिंग रहता है इनका। इनका काम ही वही, अगर ये सेटिंग ऑन है तो इनका काम ही यही है कि सर्च करना है, फाइंड करना है कहां पे ब्लूटूथ मिल रहा है, कहां पे वाईफाई मिल रहा है। ये कंटिन्यू स्कैन करते रहते हैं जिसकी वजह से आपके फोन की बैटरी भी बहुत ही जल्दी खत्म होती है और जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो तो वहां से तो आप ब्लूटूथ वाईफाई बंद कर देते हो, लेकिन यहां अंदर से ये जो 2 सेटिंग है ना ये बंद नहीं होती है, जो यहां पर स्कैन करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके फोन की बैटरी बहुत ही स्लो
स्लो चार्ज होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो वाईफाई स्कैनिंग का ऑप्शन है इसे भी ऑफ कर देना, और जो ब्लूटूथ स्कैनिंग है इसे भी ऑफ कर देना है। ये दोनों सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर दोगे तो ये स्कैन नहीं कर पाएंगे, और जब भी आप फोन को चार्ज में लगाओगे तो आपका फोन फास्ट चार्ज होगा। तो ये आपको तीन सेटिंग कर लेना है। उसके बाद अपने फोन के अंदर एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो मात्र यहाँ पर ज्यादा ज्यादा 4 या 5 MB का होगा, ज्यादा MB का एप्लीकेशन भी नहीं है। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन आपका यहाँ पर ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पहले मॉनिटर का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। यहाँ पर परमिशन आपको देना है, मॉनिटर वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चेक करेगा, यहाँ पर आप देखो चेकिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर चेक करेगा एंड यहाँ पर डन कर देगा। यानी कि आपके फ़ोन के अंदर कहीं कोई जब चार्ज में लगाते हो तो कोई ग्लिच तो नहीं है, ये आपको चेक करके आपको यहाँ पर बता देगा। तो आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह रहेगा यहाँ पर फिक्स कर देगा। फिक्स करने के बाद अब जब भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज में लगाओगे तो आपको पहले मुकाबले यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगा। जब जो आपका फ़ोन पहले स्लो चार्ज होता था वही अब आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है फास्ट चार्जिंग। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चार्जिंग मास्टर 2024, यानी कि नया एप्लीकेशन है 2024 में आया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।